हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है निश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। दोस्तों आज की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपको अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनानी है अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में आप अपने नाम की रिंगटोन्स बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप अपने नाम के साथ कोई भी जो है बैकग्राउंड म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप एक रिंगटोन लवर हैं, आप हर रोज़ मतलब या फिर कुछ दिनों बाद रिंगटोन चेंज करते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे रिंगटोन लगानी है, कैसे जो है उसको अपने नाम के साथ ऐड करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे उसमें ऐड करना है, सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे जो है अपने नाम की रिंगटोन बनानी है। दोस्तों आपको अपने नाम की रिंगटोन बनाने के लिए आपको एक ऐप की मदद लेनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से इस ऐप को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस में। लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा, तभी आपको यहां पर पता लगेगा कैसे जो है अपने नाम की रिंगटोन बनानी है और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक तभी ऐड करना है। दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो शायद आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर अपने नाम के रिंगटोन नहीं बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं ऐप को ओपन करता हूँ और बताता हूँ कैसे जो है अपने नाम की रिंगटोन यहाँ पर बनानी है। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है ऐप को ओपन कर दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पर होम पेज पर ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिला है मेक अ रिंगटोन और दूसरा है सर्च रिंगटोन्स। मैं सर्च रिंगटोन्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें सर्च रिंगटोन्स पे क्लिक करने के बाद हमें ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर एंटर द फर्स्ट नेम, दोस्तों आपका जो भी नाम है यहाँ पर एंटर करना है। चलिए मैं अपना नाम एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैंने अनीश अपना नाम एंटर करने के बाद हमें इस पर इस वाले ऑप्शन पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर देख सकते हैं अनीश नेम रिंगटोन्स, यहाँ पर देख सकते हैं सारी रिंगटोन्स यहाँ पर आ गई हैं। देखते हैं अगर आपका आप अपना सरनेम डालना चाहते हैं, मतलब जैसे मेरा अनीश वर्मा है, मैं अनीश वर्मा का डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डाल सकता हूँ। आप अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंट जो अभी आपको बढ़िया लगे आप यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें करना है गो डाउनलोड पर क्लिक। चलिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें नया इंटरफेस देखने को मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी हमें यहाँ पर रिंगटोन्स देखने को मिली हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं आपको एक रिंगटोन प्ले करके यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, देख सकते हैं अनीशन यू हैव एन अर्जेंट कॉल। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर म्यूजिक भी बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है और हमारा नाम भी यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडिट सॉन्ग पे, इस पर इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर रिंगटोन मेकर, उसके बाद हमें यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है, कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जो भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें बैकग्राउंड म्यूजिक, यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं अनीश वर्मा डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट मैसेज आफ्टर योर नेम, नेम के बाद क्या मैसेज आएगा वो सिलेक्ट करना है। यू हैव अ कॉल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अनीश वर्मा यू हैव अ कॉल। देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैंने एडिट किया था, अनीश वर्मा मैंने नाम से एडिट किया था और मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज किया था आपके सामने। यहाँ पर आपको मैंने प्ले करके दिखाया, सब कुछ यहाँ पर चेंज हो गया है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें इसको ओपन करना है, किससे, क्रोम ब्राउज़र से ओपन करना है। आप किसी भी ब्राउज़र से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फाइल जो है यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पर जो फाइल है डाउनलोड हो गई है। दोस्तों इसी सेम प्रोसेस से आप अपने नाम की रिंगटोन्स यहाँ से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से कुछ भी जैसे मैंने बताया जो जो स्टेप मैंने फॉलो किया, आप सेम स्टेप फॉलो करके अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज कर सकते हैं, जो दिल चाहे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का ऐप है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, इसका मतलब एक बार इसको यूज़ जरूर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आपको इसी ऐप के बारे में बताना था ताकि आप भी अपने नाम की बढ़िया बढ़िया रिंगटोन्स बना सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कि नीचे लाल कलर का बटन दिया होगा, बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए। दोस्तों इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों हम मिलते हैं फिर ऐसी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।